नमस्कार दोस्तों, साथियों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे, आपके लिए सीटेट के लिए बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सीबीएसई पूरे नेशनल, पूरे इंडिया कंट्री के अंदर कंडक्ट करवाता है हर साल, जो कि आपकी टीचर रिक्रूटमेंट होती है फर्स्ट टू एट्थ क्लास के स्कूल्स, और वो सारे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर एफिलिएटेड हो, ऐसे कोई से भी स्कूल जो भी इंडिया कंट्री के अंदर है और वो फर्स्ट टू एट्थ क्लास को पढ़ा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए, तो उसके लिए आपको उसमें टीचर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सीटेट एग्जाम देना अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। मतलब कि अगर आपने सीटेट एग्जाम दिया था, मेनली तो यहाँ पर यह भी होता है कि आप अगर किसी स्टेट वाइज अप्लाई करते हैं, जैसे कि आप अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा और किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा राज्य जो इंडिया में है, वहाँ पर अगर आप टीचर्स के लिए किसी भी स्कूल में अगर आप टीचर्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको ओटेट यानी ओडिशा का टेट एग्जाम होता है, जे टेट झारखंड का होता है, तो हर स्टेट के अलग अलग टेट तो होते ही हैं जो कि आपके स्टेट तक ही वैलिड रहते हैं। मतलब आपके मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि आप जो स्टेट वाला टेट एग्जाम देते हैं वो दूसरे स्टेट में वैलिड, बहुत ही कम चांसेस होते हैं उसके वैलिड होने के, लेकिन जो सीटेट होता है वो ऑल इंडिया स्कूल्स के अंदर वैलिड माना जाता है टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए फर्स्ट टू एट्थ क्लास में, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे पढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों होते हैं और दोनों का रिजल्ट आपका आ चुका है सीबीएसई के द्वारा सीटेट के मेन वेबसाइट पर। तो हम उसी को डिस्कस करेंगे कि सीटेट का इस बार जो रिजल्ट है वो कैसा रहा है, लोगों का कैसा, उन्होंने एग्जाम दिया था उसके बेस पर उनका क्या रिजल्ट रहा है, कैसे कितने लोग ऐसे सिलेक्शन हुए, कितनों के नहीं हुए। मेनली हम यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स की डिटेल्स हैं हमारे पास जो कि आई है, जिसको हम डिस्कस करेंगे ये बताने के लिए कि उनका रिजल्ट कैसा रहा, तो आपको पता लगेगा। तो मेनली इससे आइडिया मिलेगा उन लोगों को भी जो लोग पहली बार देख रहे हैं सीटेट के बारे में, जानना चाह रहे हैं, तो वो सीटेट के नोटिफिकेशन वाला वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आप अगर पहली बार, अगर आगे आप अपने फ्यूचर में कभी सीटेट का एग्जाम देंगे टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, तो अगर आप उसमें सीटेट का स्कोर कार्ड लगाने के लिए सीटेट एग्जाम जरूर देंगे, क्योंकि यही एक ऐसा एग्जाम होता है जो आपके रिक्रूटमेंट कराता है स्कूल्स के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपके लिए वीडियो काफी खास रहेगा, इससे आपको आइडिया लगेगा कि लोगों का रिजल्ट कैसा आ रहा है, तो आपको पता लगेगा कि अगर लोगों का रिजल्ट ऐसा आ रहा है तो हमारा भी आ सकता है और हमारा भी सिलेक्शन हो सकता है और हम भी टीचर्स बन सकते हैं, ये आपको पता लगेगा। साथ ही इसके अलावा ये तो आपको पता लग ही जाएगा और साथ में आपको ये पता लगेगा कि कितना कंपटीशन है, आपको उनके मार्क्स देख के समझ आएगा कि इतना कंपटीशन है, जब इन लोगों के इतने मार्क्स आ रहे हैं तो हमारे को कितने ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। और इसका सिलेबस तो मोस्टली नेशनल लेवल का ही होता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम डायरेक्ट चेक करने चलते हैं सीटेट के रिजल्ट को। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा और ये आपका रिजल्ट आया था 20 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था और आज 25 सितंबर को इसका रिजल्ट आया, यानी एक महीने से ज़्यादा टाइम लिया गया है इसके रिजल्ट को निकालने में। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट रिजल्ट को डिस्कस करने। तो यहाँ पे आप रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे पुष्पा रानी, कैंडिडेट का नाम है पुष्पा रानी, तो सबसे पहले उनका रिजल्ट डिस्कस करते हैं, ये भी बताऊँगा कि वो क्वालिफाइड हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो सबसे पहले यार रोल नंबर डाल के आप सिंपल सबमिट करेंगे। अब देखिए, पुष्प लता रानी ये पूरा नाम है उनका, उनका मदर नेम भी आ गया है कि आशा देवी, फादर नेम भी आ गया है यहाँ पे अशोक कुमार, और इस तरीके से उनकी कैटेगरी जो है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, यानी कि वो अदर बैकवर्ड कास्ट के अंदर एक ऐसी कैटेगरी में है जिनका जो है एनुअल पूरे घर परिवार में जितने भी लोग फैमिली में कमाते हैं उसका आपका टोटल एसेट 8 लाख से कम है, या फिर जो भी ओबीसी एनसीएल के रूल से के हिसाब से उनका जो है यहाँ पे कैटेगरी आ रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये यह है कि उन्होंने दिया था पेपर टू,
उन्होंने 6 to 8 क्लास को पढ़ाने के लिए पेपर दिया था, जिसमें आप अगर देखेंगे तो उनके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में उनके 20 out of 30, 20 मार्क्स आए हैं 30 नंबर में से। सोशल साइंस में उनके 30 out of 60, 30 मार्क्स आए हैं 60 में से। लैंग्वेज वन में उनके 17 आए हैं जो कि 30 में से है। और लैंग्वेज टू के अंदर, अब ये लैंग्वेज कौन से है जो उन्होंने सिलेक्ट किए होंगे वही लैंग्वेज होंगे, यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा है। और लैंग्वेज टू में उनके 9 मार्क्स हैं 30 में से। टोटल की बात करूँ तो 150 में से उनके 76 मार्क्स हैं जो कि सिर्फ पेपर टू के हैं, जिनको जिसको उन्होंने दिया था। अब इसमें अगर एक चीज़ और देखेंगे मार्कशीट में और क्या चीज़ होंगी, अब ये मार्क्स स्टेटमेंट है मेन, इसकी जो मार्कशीट रहेगी वो आपको डिजी लॉकर के वेबसाइट में मिल जाएगी। मैं डिजी लॉकर की मेन वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप जाएँ और आपको अभी नहीं कुछ समय के अंदर जब भी आप पे वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, सीटेट आपको बताएगा कि कब हमने डिजी लॉकर पे डाल दिए मार्कशीट्स, तब आप जाकर उसको देख सकेंगे। अभी आपका मेन एक कॉमन सा रिजल्ट है जैसा आप CBSE का देखते हैं 10th 12th का, उसी तरीके से है। अब इसमें बता दूं कैंडिडेट सिक्योरिंग 60% एंड अबव मार्क्स विल बी कंसिडर एज सीटेट क्वालिफाइड, जिसके भी 60% मार्क्स या फिर उससे ज़्यादा आए हैं तो वो क्वालिफाइड माना जाएगा। और स्कूल मैनेजमेंट गवर्नमेंट हो या लोकल बॉडीज हो या फिर गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड में कंसिडरिंग गिविंग कंसेशन टू पर्सन विद पर्सन बिलोंगिंग टू ST, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एक्सेट्रा इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर सीटेट के क्वालिफाइड मार्क्स तो रख दिए 60%, यानी कि यहाँ पर 150 मार्क्स का आपका पेपर टू हुआ, तो 150 मार्क्स का तो पेपर टू हुआ, यानी कि इसका 15 मार्क्स जो हो गया वो आपका 10% हो गया, यानी कि 75 इसका हो गया 50%, और प्लस 15 यानी 90 मार्क्स जो भी कैंडिडेट ला रहा है, आप 150 में से जो भी कैंडिडेट 90 या 90 प्लस ला रहे हैं वो अपने आपको क्वालिफाइड समझ सकते हैं, यानी उनका सिलेक्शन पक्का है वो जॉब मिलने के लिए। यहाँ पर साफ लिखा गया है और लिखा ये भी गया है कि गवर्नमेंट हो या फिर लोकल बॉडीज स्कूल्स हो या फिर आपके गवर्नमेंट एडेड हो या फिर गवर्नमेंट एडेड ना हो, यानी टोटली प्राइवेट हो, ऐसे स्कूल्स में भी जो SC, ST और OBC जैसे कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि ये कैंडिडेट जो है जिसका नाम पुष्पलता रानी है, तो ये कैंडिडेट OBC NCL में आ रही है, तो इस हिसाब से यहाँ पर बोला गया है कि जो भी इस कैटेगरीज में आते हैं उनको जो भी रिजर्वेशन होगा वो स्कूल अपने हिसाब से देखेगा कि उनको उनके मार्क्स के हिसाब से उनको रिजर्वेशन करना है नहीं करना। सपोज मानिए यहाँ पे 76 मार्क्स है कैंडिडेट के, तो ये OBC NCL में है तो सीटेट के CBSE के हिसाब से तो ये क्वालिफाइड नहीं है, तो इनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन इनकी परसेंटेज भी लिखी है 50.67% है, तो मैं आपको बता दूं लेकिन ये कैंडिडेट का हो सकता है कि अगर किसी प्राइवेट स्कूल में या किसी ऐसे स्कूल में जहाँ पर रिजर्वेशन लागू हो रहा है वहाँ पे एक्सेप्ट होता है, तो हो सकता है कि इस मार्कशीट के बेस पर उनको आगे रिक्रूटमेंट के लिए ले लिया जाए। लेकिन अगर आप बात करें नॉर्मली, अगर मैं बात करूं जो सीटेट CBSE बोल रहा है उसके हिसाब से 60% मार्क्स है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये कैंडिडेट को कहीं जॉब नहीं मिलेगी, रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगी, इस मार्क्स स्कोर के बेस पर, इस मार्कशीट के बेस पर मिल जाएगी, लेकिन वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका रिजर्वेशन पॉलिसी क्या कहता है कैटेगरी वाइज, तो वो आप वहां से देखेंगे। मेरे हिसाब से तो ये मानना है कि अगर 60% मार्क्स नहीं है तो आपको इसमें दोबारा अपीयर होना चाहिए इस एग्जाम के लिए, ये मैं एक सजेस्ट करूंगा। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहां पर डेट भी आई है और यहां पर लिखा भी हुआ है कि CBSE रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर एनी इन एडवर्टेंट एरर दैट मे हैव द रिजल्ट बीइंग पब्लिश्ड ऑन NET, द मार्कशीट शैल नॉट बी डिस्पैच बाय द बोर्ड एंड द सेम कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट ओनली। अब देखिए सिंपल बोला गया, ये जो आपको रिजल्ट दिख रहा है अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो अब वो सॉल्व नहीं हो सकता, ये एक फाइनल रिजल्ट रहेगा जो CBSE ने अपना बता दिया है आपके सीटेट के लिए, तो ये आपका एक फाइनल रिजल्ट है। अगर आप इस पर बिलीव ना करें तो आप दोबारा अपीयर हो जाए नेक्स्ट ईयर वाले में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो ये आपका रिजल्ट रहेगा, इसमें आप सिंपल प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस तरीके से मार्कशीट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसमें सीटेट और जैसे मैंने डाल दिया सीटेट रानी, इस तरीके से मैंने इसको PDF फाइल के अंदर डाउनलोड में इसको सेव कर दिया, तो इस तरीके से आपको सेव करना होगा। आप कोई भी नाम दे अपने फाइल का और इस तरीके से सेव कर लें, तो ये पूरा प्रोसीजर होगा। हम ऐसे ही अब नेक्स्ट कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर डाल के चेक करेंगे, ऑलमोस्ट हमारे पास जितनों के रिजल्ट हैं सबके चेक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर विनोद स्वामी है, विनोद स्वामी का रोल नंबर डाल देता हूँ मैं यहाँ पर,
तो देखिए विनोद जो कैंडिडेट है उनका उनके मदर का नाम आ गया है राजबाला और फादर का नाम आ गया है रामचंद्र स्वामी। तो ये और यहाँ पर लिखा है कि ये जो है जनरल कैटेगरी से कैंडिडेट है और ये इनकी जो है डिफरेंटली एबल्ड है और ये एल आई में आते हैं। तो इसमें आपको बता दूं इनका रिजल्ट जो आया है, इनके रिजल्ट के अगर मार्क्स देखें तो इनके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर 21 मार्क्स हैं। इट्स वेरी गुड मार्क्स एज कम्पेयर टू ऑल ओवर मार्क्सिस। आप देखेंगे मैथमेटिक्स में इनके 25 हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज में 20, लैंग्वेज 1 और 2 में 16 और 19। इस हिसाब से इनके 91 मार्क्स आए हैं। बहुत एक बॉर्डर लाइन से इनका जो है क्वालिफाइड हुआ है एग्जाम। आप देख सकते हैं ये इसका इनका पेपर वन है। अगर पेपर वन में देखें तो पेपर वन में इनके जो है 91 मार्क्स आए हैं, यानी ये यहाँ से पेपर वन में तो क्वालिफाइड हुए ही हैं। पेपर टू की बात करूँ तो पेपर टू में भी इनका जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी था और सोशल साइंस इन्होंने अपना सब्जेक्ट चूज करा था सब्जेक्ट के लिए, और इनका लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू के हिसाब से आपके मार्क्स देखेंगे 23, 35, 20 और 24। तो ऑल ओवर मार्क्स 102 आ रहे हैं 102, और इन्होंने जो है इन्होंने 60% सिक्योर कर लिए हैं देखा जाए तो, क्योंकि 102 68% बनते हैं 150 के। तो ये दोनों ही में क्वालिफाइड हो चुके हैं, यानी कि ये एक तरीके से फर्स्ट टू फिफ्थ और सिक्स टू एट्थ क्लास को पढ़ाने के लिए एक तरीके से एबल है, वो दिख रहा है इनके रिजल्ट में। तो वो आपको मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा अगर ये कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है। तो ये रिजल्ट हो गया। अब सेम इसी तरीके से आप भी अपना इसको प्रिंट ले सकते हैं जिसका भी रिजल्ट हो, ये विनोद कैंडिडेट का रिजल्ट है। उसके बाद यहां पर है अंकित राज। अंकित राज का मैं रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूं यहां पे। अंकित राज का रिजल्ट है 102 नंबर आए पेपर वन में और पेपर टू में आए 93 मार्क्स, यानी ये दोनों तरफ से क्वालिफाइड कर चुके हैं ये कैंडिडेट भी, ये जिनका जिनका नाम जो है अंकित राज है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट यहाँ पे साहिल यादव। साहिल यादव का जो रोल नंबर है वो है 1880 31 1316। अब देखिए साहिल यादव का रिजल्ट आ चुका है। साहिल यादव के रिजल्ट में लिखा है ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर इनकी कैटेगरी है, 74 मार्क्स हैं और पेपर टू इन्होंने दोनों ही पेपर दिए हैं, एक में 74 मार्क्स है और एक में 82 मार्क्स है, यानी ये कैंडिडेट दोनों ही पेपर में क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं। जैसा कि मार्क्स बता रहे हैं और उसका परसेंटेज बता रहा है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से रिजल्ट। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाइड नहीं कर पाए, कुछ हैं जो क्वालिफाइड कर पाए हैं। अब नेक्स्ट कैंडिडेट का रिजल्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है। कैंडिडेट का नाम है अशोक कुमार। अशोक कुमार का रिजल्ट आ चुका है कैंडिडेट का, जिसमें कैंडिडेट के 85 मार्क्स आए हैं, यानी ये कैंडिडेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाए इस एग्जाम को। नेक्स्ट हमारे पास जो रोल नंबर है वो ये है, मैंने डाल दिया इसको, और इसमें नाम है चंपा कुमारी। चंपा कुमारी कैंडिडेट का नाम है, फीमेल कैंडिडेट है और यहां पर मदर फादर का नाम आ चुका है। कैंडिडेट के मार्क्स 95 हैं जो पेपर वन में है। इन्होंने सिर्फ फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास को टीच करने के लिए पढ़ाने के लिए एग्जाम दिया है, जिसको फर्स्ट टू फिफ्थ में इन्होंने इसमें मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, लैंग्वेज वन और टू, चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी। तो टोटल 95 मार्क्स आए कैंडिडेट के। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन चंपा कुमारी को फॉर दिस एग्जाम, जो उन्होंने क्वालिफाइड कर लिया है 5-6 मार्क्स ज़्यादा लाके, जो कि एक 90 मार्क्स कन्फर्म थे कि लाना जरूरी था। तो अब इसको यहाँ से आप चंपा कुमारी कैंडिडेट यहाँ से अपना प्रिंट कर सकते हैं रिजल्ट को। सेम ये एक एक्चुअल मार्कशीट, एक्चुअल मार्कशीट नहीं होगी, ये एक टेम्पररी रिजल्ट है कैंडिडेट के लिए सिर्फ कि वो देख सके। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रोल नंबर है वो है 1170 22006। ये हमारे पास रिजल्ट है और ये यहाँ पे है पूर्णिमा कंचन कैंडिडेट का नाम है और कैंडिडेट का रिजल्ट हमें दिख रहा है 91 मार्क्स आए हैं, यानी ये कैंडिडेट भी पेपर वन तो पास कर गए हैं और पेपर टू में कैंडिडेट पास नहीं हो पाए, यानी सिर्फ पेपर वन इनके इस ये जो कैंडिडेट है पूर्णिमा कंचन, इन्होंने पेपर वन पास किया है, पेपर टू पास नहीं किया है।
एक चीज और यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे बोला है कैंडिडेट सिक्योरिंग 60% मार्क्स जो बोले गए हैं वो आपको लाना जरूरी रहेंगे, वही सेम लिखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सी नोट वन बिलो, मतलब जो नीचे नोट नंबर वन में दिया गया है, जैसे यहाँ पे नोट दिए गए हैं, इस नोट में तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि 60% मार्क्स चाहिए या उससे ऊपर चाहिए क्वालिफाइड अपने आपको मानने के लिए, कि अगर आप मानते हैं अपने आपको क्वालिफाइड तो पहले अपना मार्क्स देखें कि अगर उसमें परसेंटेज 60 से ऊपर आ रहे हैं तो। ये इंडिविजुअली रहेगा, अलग अलग रहेगा, ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर साफ लिखा गया है दोनों रिजल्ट में कि अलग अलग ही होने चाहिए ये मार्क्स। अब मैं लास्ट कैंडिडेट का मार्क्स डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, रिजल्ट जिसमें रोल नंबर रहेगा 1230020020। यहाँ पे निशा कुमारी का रिजल्ट आ चुका है, फीमेल कैंडिडेट है ये निशा कुमारी, इन्होंने सीटेट दिया है 20th यानी 20 अगस्त को दिया था, और इनके मदर फादर का नाम तो आ ही रहा है यहाँ पे, साथ में इनका जो है इन्होंने पेपर वन एग्जाम दिया था सिर्फ प्राइमरी स्टेज वाला, जिसमें इनके 25 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 21, एनवायरमेंटल स्टडीज में 22 और लैंग्वेज 1 और 2 के अंदर 24 और 12। तो कैंडिडेट के 104 नंबर आ गए हैं और ये कैंडिडेट ने भी पास कर लिए इस एग्जाम को, कम से कम अगर देखें तो 14 प्लस नंबर लाके, यानी 14 नंबर और एक्स्ट्रा लाई है ये कैंडिडेट इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के ऊपर। तो ये कैंडिडेट के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्टली निशा कुमारी को कि उन्होंने सीटेट 2023 को क्वालिफाई कर लिया है। अब रही बात, इसी तरीके से आपको रिजल्ट देखना होगा, अब जो कैंडिडेट यहाँ पर मैंने रिजल्ट दिखाया वो जो क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं तो उनको मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि वो नेक्स्ट ईयर जरूर अपियर हो इस एग्जाम में, अपने तैयारी जो है बेस्ट अपनी जो है प्रिपरेशन करके, क्योंकि हर साल ये एग्जाम होता है और आप इसमें हर साल इसमें अपियर हो सकते हैं। तो चलिए, हमने रिजल्ट का तो डिस्कशन कर ही लिया है, और रही बात अभी वो सारे कैंडिडेट जिनको भी रिजल्ट देखना है तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे और रिजल्ट अपना देख पाएंगे। तो बस यही था इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ अब नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।